अभी कौन से कैंप में आए पर हमें? अलूनी कैंप। आप लोग के लिए तालियां। शेर और बाघ में अंतर है सर, शेर की गली पर बाल रहते हैं और बाघ की गली पर बाल नहीं। अच्छा देखो जम्मू नहीं बोला वो। आप लोगों का जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वही तो हम लोग जानवे आए। असली कहानी थी तो हीरो जे हैं आप लोग के, जो घर गांव में खड़े अंदर भी अपन जाएंगे। और खूब बड़ी कार में चलना, खूब बहुत ही घूमना करना। देखो आप लोग सब लोग बड़े हो गए, बड़े अधिकारी बनना। अभी आपके डीएफओ साहब आ गए हैं। डीएफओ साहब को जानते हो आप लोग इस इलाके का? नहीं जानते? ये है साहब आपके बच्चों। और आपके डीएफओ साहब आप लोगों के लिए अनुभूति का कार्यक्रम किए हैं, साथ में हम लोग टाइगर वाले। तो साहब लोगों ने कहा साहब आपके कार्यक्रम के साथ हम बच्चों को जोड़ लेंगे, हमको बहुत अच्छा लगे। कोई जीव हो, कोई इंसान हो, उसको जीने के लिए सबसे बड़ा आवश्यकता है क्या है? सांस। सबसे बड़ा माने हवा के बगैर हम जी नहीं सकते, कुछ घंटों तक पानी के बगैर हम जी नहीं सकते, कुछ दिनों तक खाने के बगैर जी नहीं सकते, लेकिन हम क्या अपना हवा पानी भोजन को सही तरीके से संरक्षित कर रहे हैं? ये प्रश्न है। यदि हम अकल वाला इंसान है तो शायद ऐसे करने में हम सक्षम। इसके साथ जुड़ा हुआ एक मुख्य बात, आपको हवा कहाँ से मिलता है? हम लोग पेड़ों को बेरहम काटते हैं, हमको चूल्हे में लकड़ी चाहिए, भेड़ बकरी पशु के लिए पत्ते चाहिए। उसको मरवाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन और तरीकों के साथ उसका उपयोग करें। कई जगहों पे जंगल समाप्त है, जंगल समाप्त करेंगे तो हवा कहाँ से मिलेगी? जंगल नहीं रहेगा, नाले नदी में पानी भी नहीं टिकेगा, जो पानी बरसा बह के निकल जाएगा। जीव को बचाना बहुत जरूरी है। जीव में पेड़ होंगे, पौधे होंगे, पानी होंगे, मछली होंगे, सब कुछ होंगे, तो सारे जीवों को बचाने से ही जीव का अस्तित्व बनी रहेगा। इन बातों से किसी को असहमति है? तो सहमति है तो जीव को बचाओ। हम लोग आप लोगों से विदा लेते हैं, अगली बार कभी मिलेंगे। जय हिंद। मैं प्रदीप जोशी उदयपुर राजस्थान से आया हूँ। T3 वॉक जो हो रही है इसमें करीब 8 राज्यों से पार्टिसिपेंट्स भाग ले रहे हैं। जब ये पार्टिसिपेंट्स यहाँ से सीख के यहाँ का जो अनुभव है वो अपने यहाँ लेके जाएंगे तो निसंदेह वहाँ के पर्यावरण को बचाने में उनके अनुभव बहुत काम आएंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो स्टाफ है उनको महसूस हो रहा है कि पहले वाले स्टाफ ने इतनी मेहनत करी तो हमें इसको बचाने में और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके साथ ही स्कूली बच्चों को इसमें शामिल किया जा रहा है, स्कूली बच्चों को ये सारे अनुभव साझा किए जा रहे हैं, तो नई पौध जो है पर्यावरण को बचाने के लिए वो तैयार हो रही है। ग्रामीण को इकट्ठा किया गया है, ग्रामीणों के साथ में संवाद किया गया है, ग्रामीण मोटिवेट होंगे पर्यावरण को बचाने के लिए। जंगल बढ़े हैं या कम हुए हैं तो ये आकलन करके वो नई योजनाएं बनाने में उनको काफी मदद मिलेगी। तो ये सिर्फ T3 वॉक ही नहीं है, इसके बहुत दूरगामी प्रभाव हासिल होने वाले। अरे सीता माता को वन में। बहुत बढ़िया। गांव कितने हैं आपके? 7-8 गांव हैं। अभी क्या हम लोग यहीं से निकल रहे थे, हमने डीएफओ साहब से रिक्वेस्ट किया आपकी समिति लोगों को बुला लीजिए, हम उनसे बात कर लेंगे। जैव विविधता क्या होती है? ये कोई भारी शब्द नहीं है। जीव की जितने विविधता है वो सब जैव विविधता है, तो उसको प्रबंधन करने के लिए आपको एक जैव विविधता प्रबंधन समिति, संयुक्त वन प्रबंधन समिति के साथ अब जैव विविधता प्रबंधन समिति जुड़ गया है। जैव विविधता को हमें बचाना है, यदि इस बात को हम समझ के हम अपनी जंगल को बचा लें, अपनी मवेशी को बचा लें, अपनी खेत को बचा लें, खेत कल्याण में जितनी गेहूँ है मैंने वो सब भी जैव विविधता, वो सब सही तरीके से बचा लेंगे, आने वाले बच्चों के लिए हम सही दुनिया दे जाएंगे। जंगल आपकी है, उससे जो भी आमदनी होगा, बढ़ोतरी होगा, वो आपकी। जीव जीव को ही खाता है, इस बात को ध्यान रखना, इसीलिए जीव को बचाना जरूरी है। यदि हम जीव को मतलब चारों तरफ से उजाड़ देंगे बहुत ही बड़ा दिक्कत आएगा। ये बातें आप लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, हम जल्दी आएंगे। हाँ, आज चौथा दिन है इस T3 वॉक का और अभी हम बाजना में हैं, तो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस है उन चीज़ों को। पर अभी तो 10 साल हम आगे हैं, मतलब 10 साल पहले का जंगल जो रहा होगा। मैं ये सोचता हूँ कि जब उस समय में इतनी सुविधाएं नहीं थी, उतनी फैसिलिटीज नहीं थी, पूरी टीम ने कैसे एक संघर्ष किया होगा इतने टाइम पूरा, और कैसे उसको वापस लेके आए होंगे। इतने सारे लोगों को एक साथ हैंडल करना, उनको लीड करना और इतने बड़े एक मिशन को अंजाम देना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आपको बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मैं इसका एक हिस्सा बना। We are on the way to Bhimkund. The place is also known as Neelkund. According to mythological beliefs, Pandav और उनकी पत्नी द्रौपदी यहाँ आए थे। द्रौपदी को प्यास लगी, पानी मिला नहीं, फिर भीम को गुस्सा आया और तब ये कुंड यहाँ बना।
भीम को क्रोध आ गया। क्रोध में उन्होंने ऊपर से गधा का प्रहार किया, तो पाताल फूट गया, पानी निकल आया। अर्जुन ने अपना तीर मार के रास्ता बनाया, तो फिर जाकर के पानी पिया, कुछ दिन रुके रहे। फिर बाद में राजा महाराजों ने निर्माण सिद्धियाँ वगैरह शंकर जी की स्थापना धीरे धीरे प्रचार हो गया। मेला भरता मकर संक्रांति में, ऐसा ये पत्थर है, ऐसा ये पानी, अभी 4 महीने भरा रहा मंदिर जो डूबे हुए थे, अभी निकल आए हैं, दर्शन हो जाएंगे। और देखिए चलते हैं अपन भीमपुर। पूरा नेचुरल प्राकृतिक है, ना किसी ने काटा है, ना तोड़ा है, और इतना सुंदर नीला स्याही जैसा पानी है। पानी के अंदर कभी काई नहीं लगती है। अपन बॉटल में भरे सालों रखते रहे, जैसे प्रयागराज से ले आते, उसी कारण रखा रहता है, कीड़े नहीं पड़ते। हजारों लाखों आदमी स्नान करते, कभी गंदा नहीं होता है। अभी डिस्कवरी टीम आई थी जर्मनी से, उन्होंने 200 फीट तक कैमरा डाला, कई गुफाएं और पानी बह रहा। बहने के बाद उनको 1.5-2 क्विंटल की मछली मिली थी। 2004 में सुनामी आई थी, उस समय यहाँ 6:15 से 7:15 आधा घंटे तक 10-15 फीट की लहरें आती थी। उसमें बड़ा अचंभा लगा, क्या हो रहा। कुछ देर बाद समाचारों पता लगा कि सुनामी लहरें आई। अभी नेपाल में भूकंप आया था, तो इसमें 3-3, 4-4 फीट की लहरें आती थी। इंडोनेशिया में भूकंप आया था, तो इसमें 3-3 फुट की लहरें आती थी। और 80 मीटर तक गोताखोर हो आए हैं, मुंबई से आए थे। 80 मीटर के बाद वो बता रहे थे हमारी क्षमता नहीं अंदर जाने की, बहुत स्पीड से बहाव था, तो वापस लौट आए थे। खबर दिया है वो इसी नाके पे आके दिल अच्छा वहाँ पर टाइगर मिला था। भीमनगर जो भी यहाँ जंगल खड़ा है, ये अकेला चट्टान पे। ऐसे हैबिटेट्स और भी बहुत होंगे। यदि इसी नदी से आप लोग उधर से बाहर निकलेंगे, यू विल गेट आउट ऑफ बटियागढ़। बटियागढ़ करके शहर है, वहाँ पे 1-2 किलोमीटर से पहले से बर्बाद। ऐसे एक हैबिटेट्स को रेवरेन हैबिटेट्स कहते हैं, जो कि स्पेशली टॉप कार्निवोर की एग्जिस्टेंस के लिए, उनकी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
फाइनली हम लोगों ने यहाँ की जो स्थितियाँ देखी, आज हम जो भीमनगढ़ गए थे वो रिवर्स है, क्योंकि भीमनगढ़ कम्स आफ्टर पात्रीकोटा, इसलिए हम पहले उसको कवर करके यहाँ आ गए। कल हम पात्रीकोटा जाएंगे। जब पात्रीकोटा से वो सासा गए, वी फाउंड ही इज नॉट मूविंग इन ए राइट डायरेक्शन, तो कोशिश ये था हम उसको रिवर्स करें। रिवर्स करने के बाद वो सासा से 50-60-70 किलोमीटर इट वेंट टूवर्ड्स द जूली, जो रिवर है। तो हमने एक रिपोर्ट लिख के भेजा गवर्नमेंट को, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट। तो इमीडिएटली सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, दोनों तरफ से ऑफिसर्स आए। इस कमरे में बैठ के 14 तारीख को ये टुक के डिसीजन कि इसको आप तीसरी बार ट्रैकलेस करेंगे। कारण ये था, वो लोग कहें कि साहब मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। हमने कहा ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री नहीं है तो यदि आप ट्रैकलेस करोगे तो कितना जिएगा कितना मरेगा, जैसे कि 50% मरने की चांसेस है। तो फिर हम लोगों ने कहा यहाँ पे तो 100% मरने की चांसेस है, ऐसे छोड़ दो, तो यहाँ तो 50% तो है बचने की चांसेस। तो उसकी बेसिस पे दे हैव परमिटेड अस टू अगेन ट्रैंक्विलाइज यू। तो ट्रैंक्विलाइज करने की परमिशन मिलने के बाद फिर हाथियों को बुलवाना, उसके रिक्वायरमेंट्स पूर्ति करना, फिर डॉक्टर्स को बुलवाना, फिर उसके बाद फॉर राइट टाइप ऑफ टेरेन के लिए इंतजार करना, ये सब चलते चलते फ्रॉम 14-10 मोर डेज के लिए अपन को 2 मोर डेज इंतजार करना। So this particular rest house is that historical place. We stayed here for 4 days, taking this decision and moving on. तभी बैठ के मुझे लग रहा था we are calling it walk, but most of it we are hopping from one place to other place with vehicle. Within the 7 days it will not be possible to walk that much also. यदि हम place to place इन चीज़ों को एहसास करें और उसकी requirement को पूर्ति कर सकें भविष्य में, और दूसरा उस टीम की मेहनत को हम लोग पहचान सकें as an individual, उस मैसेज को दुनिया में पास कर सकें, that will be the biggest contribution around for the tiger conservation of this area and the entire landscape. This is the real purpose of it. So now we are at a critical juncture. देखने में तो ऐसा कोई मंजर जैसा नहीं लगेगा, but this is that historical place. इसी रूम में डिसीजन हुआ था, और यहाँ से फिर सुबह हम लोगों ने सब एक ग्रुप फोटो लिए, then we moved out. By the time we reach Nainagiri today, I think everybody will be thoroughly beaten up. Go and have your food, sleep today. So मैं गुप्ता साहब से रिक्वेस्ट करूँगा चाय पिला दें, फिर हम लोग यहाँ से। हमारा नाम लच्छू है, टीम के संग गए थे श्री नंदगिया में हाथ साहब, फिर सुबह उठे से कड़गा तो दानवा को दाई हाँ द्वार कुल्लू घाट लो जा रहे थे, द्वार मंगरा लो आ रहे थे कि नाव ने चढ़ जाए कि नाव ने कर जाए तो अब ड्यूटी मानो ड्यूटी। फिर बुलाते के चढ़गा सुबह पर ऊपर दमोह जिला में, फिर ऊपर से घेरा डर गाओ, फिर वहाँ से हाथी भी आओ तो फिर उतरे से चलो तो फिर बटियागर लोग आए थे हमारे, फिर बटियागर से वापस हो गए थे। उतर बढ़ गया वो शेर बच गया तो उसे कितना शेर बढ़ गया है, उसकी पैदावार हुई साहब तो कितना अच्छा लगा था, बड़ी खुशी है जंगल की के चलो अच्छा दिखा रहा हूँ।